नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो पर। दोस्तों मैं हूं दीपक ध्रुव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग आए हुए कल्पात्री कवर्धा में है और इसमें हम लोग आपको दिखाएंगे कि जो अभी आर्मी का वैकेंसी निकला है तो इसमें किस प्रकार से तैयारी होता है, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो डालें तो आप तक देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है कल्पात्री स्टेडियम, जहां पर यहीं पर होता है आर्मी लोग का जो अभी वैकेंसी निकला है इन लोग का यहीं पर ट्रेनिंग होता है। अभी यहां पर इक्का दुक्का यहां पर आए हुए हैं तो यहां पर अभी यहां पर टाइम हो रहा है करीबन 5 बज रहा है। अभी आने के लिए स्टार्ट हुआ है करीबन 7 के बीच। यहाँ पर पूरा भीड़ लग जाता है पूरा आर्मी ट्रेनिंग के लिए। इस ग्राउंड में आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहीं पर होगा जो रैली निकलेगा वो यहीं पर निकलेगा, जो शायद मार्च या अप्रैल में यहाँ पर भर्ती होना है आर्मी का। तो यहीं पर सब चीज़ यहीं पर सिलेक्शन जिसका होगा वो यहीं पर ही होगा। तो आप यहाँ पर एक बार आकर देख सकते हैं। दोस्तों इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर आपको रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा भी है। जो आप बहुत दूर से हैं कवर्धा से 40-50 किलोमीटर दूर से, और अगर आपकी इच्छा है आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ कवर्धा आ सकते हैं। यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा जो कि बिल्कुल निःशुल्क है शासन के द्वारा, तो आप यहाँ पर आकर एडमिशन ले सकते हैं। आप यहाँ पर आकर सुबह प्रैक्टिस कर सकते हैं और शाम को दोनों टाइम यहाँ पर प्रैक्टिस होता है। हॉस्टल के बच्चे जो होते हैं वो सुबह शाम दोनों टाइम ही आते हैं, तो आप हॉस्टल में रहकर भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इसका मैं आप लोग का सॉल्यूशन बहुत जल्दी से जल्द देने की कोशिश जो आर्मी का वैकेंसी निकला है जिसका ट्रेनिंग पर आए हुए हैं और प्रैक्टिस यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर सब लोग को फ्री में आप लोग को जैसे कि निःशुल्क शासन द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है और साथ में रहने के लिए हॉस्टल भी दिया जाता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और फॉर्म ऑनलाइन डालेगा आर्मी का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल्पात्री मैदान कहां पर है कवर्धा में, तो मैं आपको बता दूं अगर आप लोग बस स्टेशन कवर्धा से आना चाहते तो सीधा आप जहां पर पेट्रोल टंकी आप लोग को हिंदुस्तान पेट्रोलियम वहाँ पर पड़ेगा, आपको सीधा आपको वहीं से आना है। फिर
आपको कलेक्ट्रेट रोड की तरफ आना है, फिर आपको वहाँ पर पड़ेगा अंबेडकर चौक, अंबेडकर चौक के पास से पड़ेगा फिर विश्राम भवन, विश्राम भवन के जस्ट पास वहीं पर पड़ेगा कल्पात्री स्कूल, जस्ट उसके बगल में ही है कल्पात्री स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो डालें तो आप देख सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।